Oh my god! Go! Solo tanlanga are ek solo gan. सुपर ब्यूटीफुल जगह देखिए, तवांग का बर्फबारी देखिए। कॉफी 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 ले लिया, और कॉफी का कितना था प्राइस? 30 पार कॉफी 30 इन्हें लंबी का चाहिए ना, वो लोग बनाता है बहुत टेस्टी है, लेकिन सच में बहुत टेस्टी है। आम आदमी नहीं बनाता है, इंडियन आर्मी ही बनाता है। गरम गरम ठंडा है ना, बहुत गरम है ना, बहुत बहुत गर्मी है इधर। ओके सो वेलकम बैक अगेन, और आज हम लोग निकल रहा है मधुरू लेक, उसके बाद में हम लोग जाऊंगा बुमला पास, और आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से बुमला और सिला मधुरू लेक निकल रहे हैं यहाँ से, और एक्चुअली अपना प्राइवेट व्हीकल को यहाँ से लेके जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहा था, तो फिर पास बनवाना पड़ रहा, तो उसके कारण से फिर हम लोग यहाँ में अपना इनोवा ले लिया, जहाँ वहाँ तक का टूरिस्ट गाइड भी है, और वह गाड़ी जो वहाँ तक पहुँचता है प्रेम देश का। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ओके दोस्तों अभी हम लोग पितिसो लेक में पहुँच गया, और अभी तावांग से काफ़ी दूर निकल गया पितिसो लेक, अभी हम लोग पहुँच गया, और फिलहाल तो मधुरू लेक नहीं पहुँचा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पितिसो लेक में ये तो प्लेन भी एरिया जो प्लेन भी है, और बर्फबारी भी बहुत सारा गिर के रखा है यहाँ पे, ये देखिए। सो देखिए यहाँ पे यहाँ में बोटिंग वोटिंग भी कर सकते हैं, नाव वगैरह भी है, लेकिन ज़्यादा टाइम थे यहाँ पे तो मुश्किल है। लेकिन और बर्फ देखे, बर्फ पूरा जगह बर्फ। हम लोग अभी यहाँ से मधुरू लेक निकल रहा है, मधुरू लेक का बाद में फिर से वापस यहाँ आएगा, और मेरा पीछे जितने देख रहा होगा यहाँ ब्रोप पर ही है, ब्रोप है, और यहाँ पे अभी यहाँ में मधुरू लेक हम आके देखेगा, उसके बाद फिर बुमला जाएगा, बुमला जो चाइना बॉर्डर उधर जाएगा, और अभी आप लोग जितना देखा होगा बर्फबारी को, भाई साहब बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया। दोस्तों अभी हम लोग मधुरू लेक का ऊपर पहुँच गया, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मधुरू लेक वहाँ नीचे में है, तो यहाँ का रास्ता थोड़ा नेरो है, छोटा है, फिर हम लोग यहाँ से डाउन डाउन रहे हैं, और कुछ ही समय में पहुँच जाएगा मधुरू लेक, आप लोग को क्लियरली वीडियो में दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। फाइनली पहुँच गया, और अभी का समय में टूरिस्ट का समय है, तो बहुत सारा टूरिस्ट लोग आया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ हमारा टीम जो है यहाँ पहुँच गया, और अभी हम जो है और यहाँ पर पार्किंग करने जगह भी नहीं है। चलो सो दोस्तों ये देखिए, तो चलो एक साथ देते हैं, क्या लग रहा है, कैसे बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा है ना? हाँ मजा लग रहा है। क्या हो गया? लग रहा है अभी हम लोग यहाँ से पैदल जाएंगे। कहाँ जाएगा? कहाँ? मधुरू लेक। और ये नेतागिरी जैसे आदमी जा रहा है आगे में। सो गाइस क्या कुछ बोलो? हाँ ये मधुरू लेक को हम लोग देखने जा रहे हैं।
अभी तक फिलहाल जो बहुत दिन साल मतलब कुछ समय पहले तो तक ये जो रास्ता जो पीस रोड नहीं था बोले, रास्ता बहुत खराब था बोले, और उसके बाद में कुछ समय हो गया अभी तो ये रास्ता जो बना है, और ये रास्ता जो बना है हम ऊपर से आया था और अभी यहाँ तक अभी तक यहाँ में और कचरा होता है। टूरिस्ट यहाँ पार्किंग करने जगह भी नहीं, टूरिस्ट का पूरा जगह टूरिस्ट भरती है और पार्किंग करने जगह भी नहीं है यहाँ पे। और ये देखिए टूरिस्ट, वाई साहब। सो फाइनली फाइनली वी आर रीच इट माधुरी लेक। एक्चुअली काफ़ी सुना है और काफ़ी देखा भी है ब्लॉग वीडियो वगैरह में, और खुद से एक्सप्लोर नहीं किया है। सो दोस्तों मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ और आप लोग के लिए। सो दोस्तों मेरा जो अपना कोई कोना कोना सा जो टूरिस्ट लोग आया है, हमारे इंडिया से कोना कोना से पूरा टूरिस्ट लोग आया है। तो वह यहाँ इतना हवा है ना, हवा के कारण से बहुत ठंडा ठंडा भी है। और अभी ये जगह वो कॉर्नर में जाएगा और कॉर्नर में जाके फिर से वीडियो फुटेज लेके आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। वो आगे कॉर्नर से आप लोगों को वीडियो फुटेज लेके दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। तो ये देख सकते हैं मेरे पीछे में इतना सुंदर है, और ये देखिए। सो यहाँ बैठने के लिए बना के रखा है, और रंदी बुद्धा पॉइंट। ओके रंदी बुद्धा पॉइंट, रंदी बुद्धा यहाँ आया था क्या? सो दोस्तों आप लोग को अभी हम लोग डांस करके दिखाएगा, और अभी थोड़ा समय है तो रील्स बनाएगा और डांस भी करेगा थोड़ा सा, और आप लोग वीडियो को देखते रहिए और एंटरटेन के लिए कुछ करने के लिए कोशिश करो। तो हम लोग ने फाइनली यहाँ पे थोड़ा सा विजिट कर लिया और रील्स जो बनाना था बना लिया, और उसके बाद थोड़ा चाय वही पीने का जगह ढूंढ रहा है, चाय पीने का। और चाय पीने का बाद हम लोग का टाइम जो है ऑलमोस्ट खत्म हो गया। एक्चुअली यहाँ 45 मिनट का टाइम दिया था, तो हम लोग उधर घूम फिर लिया, और घूमना ये जगह थोड़ा घूमना बाकी है। अभी हम लोग थोड़ा चाय पी लेगा, उसके बाद में थोड़ा ये जगह जाके फिर हम लोग दूसरा जगह जाएगा। अच्छे तो लोग आए ना, कहाँ से आया? इटानगर जीरो से ना आया है। अब ये जल्दी से आया है ना? हम पितापुर से आए, मेरा घर पितापुर में है, पितापुर से आए। कल इधर 7 बजे पहुंचे है माधुरी लेक देखने के लिए ना, माधुरी लेक देखने के लिए आया, तो हम देखने के लिए आया है। कैसे लगा? अच्छा लगा, बहुत देख के अच्छा लगा है, बहुत सुंदर है। आप लोग भी आइए, जो बिल्ली वाले देखने वाले लोग आइए, बढ़िया है ना? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, देखने के लिए आइए। तो दोस्तों अभी हम लोग कॉफी 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 ले लिया, और कॉफी का कितना था प्राइस? और यहाँ इसको पीने के लिए हम लोग को टोकन लेना पड़ेगा, यहाँ में ऐसे ज्यादा नहीं मिलता टोकन लेने का। और प्लान पे इंडियन आर्मी का चाय जो बनाने वाला है, इंडियन आर्मी का चाय है ना, वो लोग बनाता है। बहुत टेस्टी है, लेकिन सच में बहुत टेस्टी है, आम आदमी नहीं बनाता है, इंडियन आर्मी ही बनाता है।
सो अब इंडियन आर्मी का चाय पीना है तो आया माद्री लेक में, माद्री लेक में आइए, माद्री लेक। तो फिर हम यहाँ तो थोड़ा सा विजिट कर लेगा और अपना टाइम जो ख़त्म हो गया यहाँ तो जबान जबान मुश्किल हो गया सुनने। ओके यहाँ से कुछ इस तरह देख रहे हैं व्यू और हम लोग व्यू का आनंद लीजिए यहाँ से। और यहाँ मैं जाने के लिए बना के रखा है और वहाँ हम नहीं जाएगा, हम लोग को यहाँ से दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और वहाँ लोग फोटो फोटो शूट कर रहे हैं वहाँ देखते हो तो। सो हम लोग का टाइम 45 मिनट जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। ये देखिए। सो दोस्तों हम लोग अभी फिर से जा रहा हूँ बुमला पास निकल रहा हूँ, अभी माद्री लेक को हम लोग विजिट कर लिया, देख लिया अभी हम लोग यहाँ से बुमला पास की ओर। और हम लोग जाते जाते रास्ता में देखिए यहाँ का हम लोग का बर्फ, तावांग का बर्फ देखिए, बर्फ जो भी अगर इस समय में आना चाहता है इस ये माउंथ में स्पेशली अप्रैल का 26-25 अप्रैल माउंथ में आएगा तो ये सब आप लोग को दिखने मिलेगा। और दिसंबर वगैरह में आप लोग आने से बहुत ज़्यादा बर्फ ज़्यादा होने के कारण से ये ज़्यादा पोगी पोगी होता है, पोग ज़्यादा होता है दिखाई नहीं देता और बर्फ़ भी दिखता है। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जगह से आप लोग प्लेन अच्छा खासा दिखाई देगा यहाँ से अभी। और ये अप्रैल माउंथ में सब क्लियर होता है ये जो वेदर जो देखिए ये देखिए। सो अभी हम लोग खेल रहे हैं बर्फ में, अभी हम लोग निकल रहे हैं बुमला गेट में, चाइना बॉर्डर में निकल रहा है। सो दोस्तों अभी हम लोग बुमला पास में पहुंच गया और अभी आप लोग को जस्ट बुमला पास पास में जो सबसे माउंटेन का ऊपर में है अब वहाँ पे बुमला पास लिखा हुआ है, आई लव बुमला पास लिखा हुआ है। और आप लोग को जस्ट थोड़ा सा दिखाऊंगा ये जो व्यू है, व्यू को दिखाने के लिए कोशिश करूँगा व्यू। आप लोग देखिए बहुत ही मज़ा है, बहुत मज़ा है। तो क्या हम लोग वहाँ से आया था और यहाँ से व्यू जो है कुछ इस तरह देख रहा है। और आप सभी के लिए मैं यहाँ बुमला पास तक पहुँच गया हूँ आप लोग को वीडियो दिखा, वीडियो बना के दिखाने के लिए। और वहाँ पे बुमला पास जो आई लव बुमला लिखा हुआ है और देखिए वहाँ देखिए वहाँ। और यहाँ थोड़ा सा बदन ज़्यादा मूव होने से सांस का दिक्कत हो रहा है तो उसके कारण से इतना बदन ये देखिए वाह। तो वहाँ पे अभी सो पास वर्स बनाएगा, पास वर्स बनाने का बाद में हम लोग उधर अंदर जाएगा ये देखिए। ओके सो गेट यहाँ है और वहाँ से फिर हम लोग को नीचे पास बना के नीचे जाना है ठीक है। तो यहाँ में चाय पीने जगह है ये देखिए और यहाँ में हम लोग को कॉफ़ी वगैरह मिलता है और कॉफ़ी जो भी हमारा आर्मी भाई लोग जो प्रोवाइड करता है और टिकट भी मिलता है यहाँ पर और ये चेक पॉइंट भी मिलता है। और यहाँ से टिकट लेके एंट्री करके वहाँ से अंदर ब्रेक चाय पी लिया और ये मैगी खा रहा है यहाँ पे अभी अंदर में। तो हम लोग टिकट विकेट ले लिया अभी यहाँ से फिर अंदर जाएगा। और यहाँ बहुत भीड़ है, भीड़ का बीच में चला है फारम 15
गरम गरम ठंडा है ना, बहुत गरम है ना, बहुत बहुत गरमी है इधर। यहाँ अंदर में वीडियो, अंदर में वीडियोग्राफर लो नहीं है तो यहाँ ही वीडियो इंसर्ट है। हमारे कर्नल साहब अभी अंदर जाएगा चाइना को, चाइना बोलते हैं चाइना को दिखने के लिए, और एक्चुअली दिखने नहीं मिल रहा था, उस को कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया था। चलो अभी निकलते हैं, वो अंदर वीडियो लो नहीं है, अभी जाएगा, चलिए। ओके दोस्तों, अभी हम लोग अंदर जाके और चाइना जो आर्मी है उसको हाथ मिला लिया, उसके बाद अभी हम लोग बाहर निकल गया, निकल के यहाँ थोड़ा इन्जॉय कर रहा है, और इसके बाद इन्जॉय करके यहाँ से सीधा घर जाएगा, क्योंकि यहाँ में वीडियो जो शूट करने के लिए थोड़ा बोरिंग है, सुस्ती है, रीजन जो है यहाँ सांस का जो दिक्कत हो रहा है हम लोग को। चलिए